नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं तृष्णा पर्वतिया स्वनिर्भर प्राथमिक शाला से कक्षा 8 विषय हिंदी की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारी पिछले वीडियो में हमने माँ कह एक कहानी काव्य जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई थी, उसके काव्य का सरल अर्थ और भावानुवाद देखा था। मैंने उसका लेखन कार्य भी रखा था। आशा रखती हूँ आपने अच्छे से उसका लेखन कार्य भी लिख लिया होगा। बच्चों, हमारे इस पाठ में भाषा सच्चता में व्याकरण विभाग में क्रिया के काल दिए गए हैं, तो आज हम हमारे व्याकरण विभाग में क्रिया के काल को कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, अब हमारे क्रिया के काल को समझते हैं। बच्चों, आप जानते हो ना कि काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आप यहाँ देख रहे हो निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, बराबर। तो पहले हम इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ते हैं, बराबर है। मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, लड़के फिल्मी गीत गा रहे हैं, मदारी बंदर बंदरिया का खेल दिखा रहा है, मैं जामनगर जा रहा हूँ, दर्जी अपना काम कर रहा है, बराबर है। बच्चों, ऊपर के वाक्यों में क्रियापद पढ़ता हूँ, बराबर, पहले में हम देख रहे हैं पढ़ता हूँ, फिर गा रहा है, फिर दिखा रहा है, फिर जा रहा हूँ और उसके बाद है कर रहा है। इनसे स्पष्ट होता है कि क्रिया अभी चल रही है, बराबर ना बच्चों। इससे क्या स्पष्ट होता है कि क्रिया अभी चल रही है, बराबर। तो इसको किस तरह से हम याद रखेंगे बच्चों? तो जिस वाक्य पढ़ने से क्रिया चालू है ऐसा बोध होता हो इसे वर्तमान काल कहते हैं, बराबर है ना बच्चों, बराबर। जिस वाक्य को पढ़ने से क्रिया चालू है ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, बराबर है बच्चों। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास और आगे दूसरे वाक्य है, बराबर, उसे हम ध्यान से पहले एक बार पढ़ेंगे। मैं अहमदाबाद रहता था, हम दीपावली की छुट्टियों में राजकोट गए थे, राजेश किताब पढ़ता था, रागिणी गीत गाती थी, विभा मुंबई से आ गई, बराबर है ना बच्चों। तो उपरोक्त वाक्य में रहता था, गए थे, पढ़ता था, गाती थी, आ गई, इनसे स्पष्ट होता है कि क्रिया हो चुकने का संकेत मिलता है बच्चों। इसका मतलब कि इन सभी वाक्यों को पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि क्रिया पूर्ण हो गई है, बराबर। इनसे स्पष्ट होता है कि क्रिया हो चुकी है, बराबर है। तो इसलिए इसे हम किस तरह से याद रखेंगे बच्चों? तो जिस वाक्य पढ़ने से क्रिया पूरी हो गई हो, बराबर, जिस वाक्य को पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि क्रिया पूरी हो गई हो ऐसा बोध होता हो इसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे भूतकाल कहते हैं, बराबर, ध्यान रखना बच्चों। अब आगे के उदाहरण को देखते हैं। तो यहाँ दूसरे उदाहरण है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए। तो पहला है, सोना रात को पढ़ेगी, वे आबू के प्रवास जाएंगे, सुरेश गीत गाएगा, नर्स 7 बजे अस्पताल जाएगी, किसान खेत में जाकर हल चलाएगा, बराबर। तो ऊपर के वाक्यों के क्रियापद में क्या लिखा है बच्चों? पढ़ेगी, जाएंगे, गाएगा, जाएगी और चलाएगा। इनसे क्या ज्ञात होता है बच्चों?
इनसे स्पष्ट होता है कि क्रिया होनी अभी बाकी है, क्रिया हुई नहीं है, क्रिया होनी अभी बाकी है। तो देखा बच्चों, हम बराबर है, हमने देखा वाक्य के क्रियापद पड़ेगी, जाएगा, गाएगा, जाएगी, चलाएगा, इनसे स्पष्ट होता है कि क्रिया होनी अभी बाकी है। तो इसे कैसे याद रखेंगे बच्चों? जिस वाक्य को पढ़ने से क्रिया होना बाकी हो, ऐसा बोध हो, तो इसे भविष्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भविष्यकाल। मैंने आपको बताया उसी प्रकार ऊपर के अभ्यास से हम जान गए कि क्रिया के तीन प्रकार, तीन काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। बराबर। तो इसे कैसे याद रखेंगे बच्चों? तो हम इसे इस प्रकार याद रखेंगे। याद रखना बहुत ही सरल है बच्चों। अगर आप इसे इस तरह से याद रखोगे ना, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वाक्य कौन से काल का है। तो क्रियापद का अंतिम अंश देखना है हमें। क्या देखना है? क्रियापद का अंतिम अंश। अगर क्रियापद के अंतिम अंश है, हो, हु, ऐसा हो ना, तो वह कौन सा काल बनता है बच्चों? वर्तमान काल। हमने अभी सभी उदाहरण देखे ना, उसमें इस प्रकार का ही अंश था। बराबर। तो उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल। वैसे ही था, थे, थी, थी, आ, ए, ई। बराबर। इस तरह का जब अंतिम अंश बनता हो, तो वह क्या बनता है बच्चों? भूतकाल। हमने अभी सभी उदाहरण में देखा। बराबर। फिर उसके बाद गा, गे, गी। क्रियापद का जो अंतिम अंश इस प्रकार का हो, तो वह हमारा कौन सा काल बनता है बच्चों? भविष्य काल। बराबर है। तो इस तरह से आपको पूरा जो मैंने अभी आपको समझाया, उसको एक बार अच्छे से ध्यान से सुनना है और उसका अभ्यास करना है। अब इसके आधार पर हम, हमारी जो कविता 8 थी, उसमें जो व्याकरण विभाग के जो प्रश्न दिए हैं, उसको अब हम देखेंगे और समझेंगे। तो चलो बच्चों, अब हमारे पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 95 में जो वाक्य दिए हैं, बराबर, उसको देखते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापद को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए। बराबर। पेज नंबर 55 पर आपको दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक में, तो उसका अभ्यास करना बच्चों। रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। बच्चों आपको यह पहचानना है कि यह वाक्य जो है वो कौन से काल का है। तो हमने अभी देखा, बराबर ने, कि जिसका अंतिम अंश हम कैसे याद रखेंगे बच्चों, कि जिसका अंतिम अंश था हो, तो वह कौन सा काल बनता है बच्चों हमारा? याद करो, मैंने अभी आपको समझाया था। बराबर है। बराबर है। रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। तो वर्ग था है, तो क्या बनेगा बच्चों? यह भूतकाल का वाक्य बनेगा। कौन सा बनेगा? भूतकाल का। बराबर है बच्चों। फिर हाँ भैया, अब मैं तेरी बात मानूंगा। मानूंगा बच्चों, गा। बराबर। तो गा गेगी, वह अगर अंतिम अंश बनता है, तो वह कौन सा काल बनता है बच्चों? भविष्य काल। बराबर। तो मानूंगा, तो यह हमारा कौन सा वाक्य बनता है? भविष्यकाल का वाक्य बनता है। बराबर है बच्चों। आगे है, मैं मौन रखकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। बच्चों हूँ, बराबर, हमारा अंतिम अंश हूँ है, तो यह कौन सा काल का वाक्य बनेगा बच्चों? यह कौन सा काल का वाक्य है? हाँ बराबर है, हूँ यानी वर्तमान काल का वाक्य है। तो आपको क्या लिखना है इसके सामने? वर्तमान काल। तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। बराबर। वापस है आया। बराबर। तो है वह क्या सूचित करता है बच्चों, कि यह कौन से काल का वाक्य है? बराबर है बच्चों, यह वर्तमान काल का वाक्य है। परीक्षा में आपको पूछ सकते हैं बच्चों कि निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापद को देखकर उनके काल पहचान कर लिखिए। तो आपको क्या करना है? उसके काल पहचानने हैं और उसके सामने वह कौन से काल का वाक्य है वह लिखना है। आगे देखते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में बच्चों। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। तो समझ लेते हैं पहले वाक्य को। मैंने किताब खरीदी। खरीदी। बराबर।
तो क्या हो गया बच्चों, वह भूतकाल, क्या हो गया भूतकाल, खरीदी थी बराबर ना, इसलिए भूतकाल। मैं किताब खरीदूंगा, खरीदी नहीं है, खरीदूंगा गा, तो वह हो गया भविष्यकाल। और मैं किताब खरीद रहा हूं बराबर, तो वह क्या बनेगा बच्चों, वर्तमान काल का वाक्य। अब उसके आधार पर देखते हैं बच्चों, तो निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। अब क्या करना है कि जो वाक्य दिया है और उसके सामने जो सूचना दी है उसके हिसाब से हमें वाक्य बनाना है बच्चों। जैसे मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो यह जो वाक्य है उसको हमें भविष्यकाल बनाने का है। क्या बनाना है हमें उसको, इस वाक्य का हमें क्या बनाना है, भविष्यकाल बनाइए। तो कैसे बनेगा बच्चों भविष्यकाल, तो मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ बराबर, वह जा रहा हूँ, तो वो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा भविष्यकाल में, मैं अहमदाबाद जाऊंगा बराबर, क्या आएगा, जाऊंगा, तो वह क्या बन जाएगा बच्चों, भविष्यकाल बन जाएगा। वैसे ही दूसरा है, मेहुल मुंबई गया था। अब इस वाक्य को वर्तमान काल में परिवर्तन करना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, मेहुल मुंबई जा रहा है बराबर। और आगे है, गीता आइसक्रीम खाएगी, गीता आइसक्रीम खाएगी, उसका हमें क्या बनाना है, भूतकाल बनाइए इस वाक्य का, खाएगी बराबर, तो क्या हो जाएगा, खाई, तो गीता ने आइसक्रीम खाई बराबर। इस तरह से भी आपको परीक्षा में वाक्य आ सकते हैं बच्चों। तो आप समझ गए होंगे हमारी क्रिया के काल को अच्छे से, हमारी क्रिया के तीन काल है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल बराबर है बच्चों। और इसे अच्छे से आपको इसका अच्छे से अभ्यास करना है और याद भी रखना है। तो हमारे इस वीडियो में आज हमने क्रिया के काल को देखा। अब हमारी अगली वीडियो में हम हमारे नए एक पाठ के साथ मिलेंगे बच्चों, आना। और मैं जो अपने ग्रुप में लेखन कार्य रखूंगी उसका अच्छे से अभ्यास करके अपने नोटबुक में उतारना। अपना ख्याल रखना बच्चों।